Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى हर किस्म दी हमदो सनाम अल्लाह रहीमो करीम वास्ते जो पूरी कायनात दा खालिको मालिक युदब्बिरुल अमर फ़ालुल मा युरीद या फ़ालु मा यशा है। बेशमार अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन इमामुल मुवाहिदीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना मेरे और तुआडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते। सामिन मोहतरम, कुरान मजीद के अंदरों 27वां पारा सूरत का नाम सूरह अन्नजम। सूरह अन्नजम के अंदरों कुछ आयतां तुहाडे सामने तलावत कीतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमतुल मुबारक दे अंदर मैं जिस उनवान ते तुहाडे सामने गुफ्तगू करना चाहना, मेरा आज दा मौजू जो कि पिछले खुतबा जुमतुल मुबारक दे नाल मुनसलिक है, आज दे खुतबा जुमतुल मुबारक अंदर मैं मेराजुन नबी दा दूसरा हिस्सा तुहाडे सामने तलावत करना चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सामिन मोहतरम, सफरे मेराज मेराज किया जाता है पस्ती तो बुलंदी की तरफ जाना। तो नबी अलैहि सलातु सलाम नू अल्लाह ने जमीन तो आसमान का जड़ा सफ़र करवाया है बुलंदी की तरफ, इस वजह तो इस नू मेराज किया जाता है। तो पिछले खुतबा जुमतुल मुबारक अंदर मैं कुछ ऐसियां निशानियां बयान कीतियां सी जो कि नबी अलैहि सलातु सलाम ने अपने सफरे मेराज के अंदर देखियां सन। तो आज कुछ हिस्सा मजीद आपने जो निशानियां देखियां और उस तो बाद आप आसमाना ते गए,
और अल्लाह दे कोलों की तहाइफ और तोहफे लैके आए, इंशाल्लाह तुहाडे सामने बयान होएगा। तो पिछले जुमे दे अंदर मैं बात अर्ज की सी कि नबी मुकर्रम शफी मुआज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफरे मेराज दे अंदर कुछ लोग ऐसे देखे कि जिन्ना दे पेट शीशे की तरह साफ नुमाया नज़र आ रहे सन और इन्ह दे पेटा दे अंदर बहुत बड़े बड़े अजदहा और सप नज़र आ रहे से। मेरे आका फरमाते ने, मैं जबरीले अमीन दे कोलों सवाल किया, जबरील एक केड़े लोग ने? तो दस्या गया कि अल्लाह दे पैगंबर ये ओ बदबख्त लोग ने जिहड़े दुनिया ते रह के सूद का कारोबार करदे सन। ये सूद का कारोबार करन वाले लोग ने। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमाते ने, असी इस तो अगे सफ़र करना शुरू कर दिता। अगे सफ़र के अंदर मैनू बहुत सारिया निशानियां दिखाई गई जिन्हां दे अंदरों मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमाते ने कि मैं देखिया कुछ लोग ऐसे ने कि फरिश्ते इन्हां दे मुँहां दे अंदर अग दे अंगारे डाल रहे ने, इन्हां दे मुँहां दे अंदर अग दे अंगारे डाले जा रहे ने। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमाते ने, मैं पूछा जबरील ये किहड़े बदबख्त और जालिम लोग ने कि जिन्हां नूं अग खिलाई जा रही है, जिन्हां दे मुँहां दे अंदर अग दे अंगारे डाले जा रहे ने। तो मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमाते ने, मैनूं जबरीले अमीन दसन लगे अल्लाह दे पैगंबर ये ओ बदबख्त और जालिम लोग ने जिहड़े यतीमां दा माल खाया करदे सी, यतीमां दा, किसे दा बाप दुनिया तो टुर गया, किसे दी वालदा दुनिया तो टुर गई, एक करीबी रिश्तेदार है उन्हां दे माल दे उपर सप बन के बैठ जांदा है, यतीमां दा माल खाई जा रहा है, हड़प कीती जा रहा है, किसे यतीम नूं सहारा देंदा है, ते इस वास्ते कि इंदी जड़ी जायदाद है, इंदा जड़ा पैसा रुपया है, मैं उंदा मालिक बन जावां। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोग जड़े यतीमां दा माल खांदे ने, यतीमां दा माल खान वाले इन्नमा याकुलून फी बुतूनहिम नारा, फरमाया ये यतीमा दा माल नहीं खा रहा है बल्कि अग जड़ी है, अग दे अंगारे अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं। हजरात, अज कोई भी मुसलमान किसी यतीम दे नाल मुहब्बत करता है, किसी बेवा का एहसास करता है, ख्याल करता है, तो किसी ना किसी लालच की बिना पर कि इंदे कोल माल है, इंदे कोल जायदाद है, इंदी जमीन है, इंदे कोल पैसा है, तो किसी ना किसी तरीके मैं हड़प करा, इंदा पैसा मैं काबू करा, इंदी जमीन दा, इंदे पैसे दा मैं मालिक बन जावा। और ऐसे बीसियों वाकियात मेरे तेरे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर हो रहे हैं कि यतीम भतीजिया की जमीन पर कब्जा किया जाता है, यतीम बच्चे थोड़े जे समझदार होंगे ने अदालतों अंदर धक्के खाते फिरते हैं, सके चाचे और ताए यतीमां बच्चों के नाल जुलम कर रहे हैं, इन दियां जमीनां ते कब्जे कर रहे हैं। मेरे भाई, ये दुनिया के तू माल इन्हों गरीबों का यतीमां का खाधी जा रहे हैं, लेकिन कदे सोचिया कर क्यामत वाले दिन रब नू की जवाब देगा, जिस वक्त तेरे मुँह दे अंदर अग दे अंगारे डाले गए, ऐसी अग कि जड़ी मुँह दे अंदरों दाखल की जाएगी ते पूरे जिसम दियां आंतड़ियां गल के सड़ के पखाने दे जरिए बाहर निकल जाएंगियां। हजरात, एक अग दुनिया दी थोड़ी जितनी मामूली अग अगर इन्दे ऊपर साड़ा हाथ जल जाए,
साडे जिस्म दे किसे हिस्से ते आग लग जाए तो कई कई महीनों तक जख्म ठीक नहीं होंदे। उस तो बाद जख्म ठीक हो जाए, आग दा निशान खत्म नहीं होंदा, लेकिन वह जहन्नम दी आग जिहड़ी 70 गुना ज़्यादा सख्त है, उस आग दे अंगारे जिस वक्त तेरे मुँह दे अंदर दाखिल किए जाएंगे, 10 उस वक्त मेरा और तेरा ये नाजुक जिस्म की करेगा। हजरात, मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने कि मैंने जबरील अमीन अर्ज कर लगे, अल्लाह दे पैगंबर जिन्हां दे मुँहां दे अंदर आग दे अंगारे डाले जा रहे ने, ये वो बदबख्त और जालिम लोग ने कि जेड़े दुनिया ते रह के गरीबा और यतीमा दा माल हड़प करदे सी। आओ अगे सुनो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद, बोलो यार आका दे नाल मुहब्बत है ते बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने असी अगे सफ़र करना शुरू कर दिता, सफ़र करते जा रहे हैं, सफ़र करते जा रहे हैं। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मैं कुछ लोग ऐसे देखे, इन्हां दियां ज़बानां कटियां जा रही ने, बहुत बड़े बड़े कतीरे ने, बहुत बड़िया बड़िया जनाब कैंचियां ने, इन्हां दे नाल इन्हां लोगों दियां जनाब ज़बानां कटियां जा रही ने। मैं पूछा जबरील ये केड़े बदबख्त और जालिम लोग ने, अल्लाह दे पैगंबर ये तोड़ी उम्मत दे ओ आलिम ने जड़े मिंबर ते खड़िया हो के मिंबर ते बैठ के लोगों नू तबलीग करदे सी, ते तबलीग की करदे सन, झूठे किस्से कहानियां लोगों नू सुनाया करदे सी, अपने कोलों मन गड़त बातां लोगों नू सुनाया करदे सी। अल्लाह दे पैगंबर ये झूठे अलमा ने, ये झूठे आलमे दीन ने, ये झूठ बोलन वाले लोग ने। अल्लाह दे पैगंबर ये लोगों नू झूठ कड़ कड़ के सुनांदे रह, लोगों नू झूठ बयान करदे रह। अल्लाह दे नबी ये झूठे अलमा ने जिन्हां दियां ज़बानां कटियां जा रही ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरे आका फरमांदे ने अगे सफ़र करद्या करद्या मैं एक ऐसा बंदा भी देखा जिन्हें एक बहुत ज़्यादा माल की गठड़ी बनी है, बहुत ज़्यादा माल एक कपड़े दे अंदर बनया। मेरे आका फरमांदे ने ये वजन उठाना चाहता, वजन चुकना चाहता, इंदे कोलो वजन चुकया नहीं जाता, ये फिर जमीन ते रख देंदा, ये फिर जनाब उनके अंदर होर ज़्यादा वजन पा शुरू कर देंदा, कुछ होर चीज़ा इनके अंदर डालना शुरू कर देंदा, ये फिर उठाता है, वजन पहले नालों बढ़ जाता, वजन चुकया नहीं जा रहा। अल्लाह दे पैगंबर कर देने जबरील ये केड़ा बदबख्त और जालिम बंदा, पहला माल तो चुकया नहीं जा रहा, पहली गठड़ी तो चुकी नहीं जा रही, ये मजीद वजन बढ़ाई जा रहा। अल्लाह दे पैगंबर ये दुनिया का हरीस है, दुनिया का ला लचीए, इंदा पेट कदे भी दुनिया दे माल दे नाल नहीं सी भरदा, ये हर वक्त पैसा पैसा, रुपया रुपया, माली माली मेरा पैसा मेरा रुपया, हर वक्त पैसा पैसा करदा रहिंदा सी। अल्लाह दे पैगंबर ये दुनिया दे माल दा लालची ते हरी सी, जेड़ा माल ते जमा करदा सी लेकिन माल दी जकात अदा नहीं सी करदा, अपने माल दा उशर अदा नहीं सी करदा, अपनी फसल दा उशर जकात अदा नहीं सी करदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह दे पैगंबर ये माल जमा करने वाला है, माल दा लालची है। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने माल दिता है, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, इस माल नू गरीबा मस्कीना यतीमा अंदर तकसीम करया कर, तेरा माल किसे गरीब दे काम आ जाए, तेरा माल किसे बेवा दे काम आ जाए, तेरा माल किसे मस्कीन दे काम आ जाए। अपने माल नू खर्च करया कर, माल ते सप बन के ना बैठिया कर,
कर, माल नू जोड़ जोड़ के ना रखिया कर। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अल्लाज़ी जमा मालूं अद्दादा, ऐसा बंदा जेड़ा माल नू जोड़ जोड़ के रखदा है, माल नू जमा कर करके रखदा है और ये गुमान करदा है यह सब अन्ना मालहू अखलादा, के माल इंदे कोल हमेशा रहेगा, ये दौलत इंदे कोल हमेशा रहेगी। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कल्ला लयुम बजन फिल हुतमा, अन करीब माल जमा करने वाला ए भी ते इंदा माल भी फिल हुतमा जहन्नम अंदर डाल दिता जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आओ माल जमा करने वाले हो, माल जमा करने वाले हो, सुनो मेरे पैगंबर दा फरमान है। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा माल जमा करदा दौलत नू जोड़ जोड़ के रखदा, दौलत ते सब बन के बैठ जांदा है, किसे गरीब मस्कीन नू नहीं देंदा, अल्लाह दे रस्ते च खर्च नहीं करदा, माल दी ज़कात अदा नहीं करदा, फसल चुकी है ते फसल दा उशर अदा नहीं करदा। ऐसे तुहानू बेशुमार लोग नजर आएंगे जी बड़ा ऐद की अल्लाह ने करम किया, आलू बड़े अच्छे वेग गए ने, अल्लाह ने बड़ा करम किया, फसल बड़ी अच्छी वेग गई है, मटर बड़े अच्छे वेग गए ने। पुछया जाए जकात अदा कीती है, आंदा जी जकात कोई नहीं दीती, पता नहीं मेरे पुत्र नू पता होएगा, पुत्र कोलो पुछी आंदा अब्बे नू पता होएगा, मैनू की पता। अल्लाहु अकबर। ऐसे बंदे जड़े माल दे सप बन के बैठ जाते ने, माल दा हिरस करके बैठ जाते ने, माल जोड़ जोड़ के जमा कर करके रखते ने, माल दी जकात अदा नहीं करते। मेरे आका फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां दा माल इन्हां दी दौलत एक सप की शक्ल दे अंदर, एक बहुत बड़े सप की शक्ल दे अंदर इन्हां दे उपर मुसलत कर दिती जाएगी। जेड़ा माल सप की शक्ल इख्तियार करके इन्हां दी पेशानी ते डंग मारेगा, इन्हां दे चेहरियां ते डंग मारेगा, ते डंग मारेगा ते नाल बोल के कहेगा आना मालुका आना कनजुका, आना मालुका आना कन जुका। ओए बंदिया मैं ते तेरा ओ ही माल आ जिन्हू जोड़ जोड़ के रखदा सै, जिन्हू जमा कर करके रखदा सै। बंदा रोएगा चीखो पुकार करेगा, कहेगा कोई मेरी इंदे कोलो जान छड़वाओ, कोई इनू मेरे तो दूर हटाओ, लेकिन ये दूर नहीं हटेगा, कहेगा आना मालुका आना कन जुका। दुनिया दे ते बड़ा जोड़ जोड़ के रखदा सै, बार बार गेंदा सै कि ते पैसे कटते नहीं गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं ते ओ ही माल आ, अज मैनू क्यों नहीं गिनदा, अज मैनू क्यों नहीं करीब करदा, अज क्यों नहीं उतली जेब दे अंदर सीने दे नाल लगांदा, अज क्यों नहीं अपनियां जेबां भरदा मेरे नाल। अल्लाह अकबर। मेरे भाई अल्लाह ने माल दित्या ते माल दा हक अदा करिया कर, तेरे माल दे अंदर गरीबां मस्कीनां यतीमां दा हक है, तेरे माल दे अंदर बेवा दा हक है, तेरे माल दे अंदर मुजाहिदीन दा हक है, तेरे माल दे अंदर कश्मीरी मुसलमान गरीबां दा हक है, ये हक अदा करया कर, अपने माल दा हक अदा करया कर। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने असी अगे चलते जा रहे हैं, रस्ते दे अंदर जांदियां जांदियां देखिया कुछ कुछ लोग ऐसे देखे जेड़े अपने जिसम दा गोश्त कट कट के खाई जा रहे ने, अपने जिसम नालों गोश्त उतार उतार के खाई जा रहे ने। मैं पूछा जबरील ये केड़े लोग ने, अल्लाह दे पैगंबर ओ बदबख्त लोग ने जेड़े दुनिया ते रह के चुगलियां ते गीबतां करिया करदे सी, चुगलखोर, चुगलियां करन वाला, गीबतां करन वाला। अज देखो इल्ला जिन्हों अल्लाह ने महफूज रखे, हर बंदा ही इस बीमारी अंदर मसरूफ। कोई इमाम है तो वह भी चुगलियां कर रहा है, कोई मुक्तदी है तो वह भी चुगलियां कर रहा है, मुक्तदी इमाम दी चुगलियां की जा रहे हैं, चुगल इमाम मुक्तदी दी चुगलियां की जा रहे हैं, शोहर है तो बीवी दी चुगलियां की जा रहे हैं, बीवी है तो अपने शोहर दी चुगलियां की जा रही है। अल्लाह महफूज फरमाए और अल्लाह समझ आता फरमाए। हर बंदा ही इस काम से लग पे है, पता नहीं बनना की है मेरा और तेरा, सानू हर वक्त काम ही हो, जो को दो चार मिनट कट्ठे बहन का टाइम मिल जाए, लो जी वो फलां तो इंजदा, फलां ने तो इंज किया, फलां ने तो इंज किया,
अल्लाह अकबर। मेरे भाई कदे अपने आप वाल भी निगाह दौड़ाया कर, अपने गिरेबान अंदर भी झांकिया कर। अल्लाह अकबर। उस शायर ने अपने लफ्जा अंदर बड़ा प्यारा जनाब एक नक्शा बयान किया है, कहिंदा जदों मैं लोगों के गुनाह देखता रहा तो मैनू कोई जनाब गुनहगार नज़र ना आया, क्योंकि जो मैं अपने गिरेबान अंदर झाती पाई तो मेरे नालों वड्डा और गुनहगार ही कोई नहीं सी। जो बंदा अपने आप के गुनाह देखे, अपन गलतियां देखे, तो बंदे हर बंदा ही अपने नालों चंगा लगता है। तो जो बंदे ने गुनाह ही दूसरिया देखने ने, गलतियां ही दूसरिया देखनिया ने, अपने अल देखना ही नहीं, तो फिर उन्होंने हर बंदा ही गुनहगार नज़र आएगा, उन्होंने हर बंदा ही गलत नज़र आएगा। अल्लाह दे पैगंबर ए ओ बदबख्त लोग ने जड़े दुनिया ते रह के चुगलियां करया करदे सी, ए चुगलखोर लोग ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह और रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया, ऐसे लोग जड़े चुगलखोर ने, ऐसे लोग जड़े लोगों दियाँ चुगलियां करदे ने, इन्हां दी मिसाल इस तरह है जिवें अपने मुर्दा भरा दा गोश्त खांदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई बंदा इस नूं पसंद नहीं करदा किसे मुर्दार दा गोश्त खाए, मुर्दा इंसान आंदा गोश्त खाए, लेकिन जड़ा बंदा चुगली करता है वो एवें ही है जिवें अपने मुर्दा भरा दा गोश्त खाई जा रहा। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। सही उल बुखारी दे अंदर रवायत मौजूद है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सफर ते जा रहे ने, रस्ते दे अंदर जांदियां जांदियां आप दी सवारी ने बिदकना शुरू कर दिता, टपना शुरू कर दिता। सहाबा अर्ज करदे ने, अल्लाह दे पैगंबर दी सवारी इतना टपी, इतना बिदकी, सानू खतरा पै गया कि अल्लाह दे पैगंबर सवारी तो नीचे ना गिर जान। अल्लाह दे पैगंबर सवारी तो नीचे उतरे, आसमाना तो जबरील आ गए। अर्ज करन लगे, अल्लाह दे पैगंबर जान दो थोड़ी सवारी क्यों बिदकी, क्यों डरी। अल्लाह दे नबी अर्ज कर लगे, जबरील मैनू तो नहीं पता, मैनू तो नहीं इलम। अल्लाह दे पैगंबर है दो कबर वाले अजाब हो रहा है, इन्हों कबर दे अंदर अजाब हो रहा है, जबरील क्यों अजाब हो रहा है। अल्लाह दे नबी इन्हों अंदरों एक ओ बदबख्त बंदा है, राजुल यमशी बिन नमीमा, जड़ा चुगलियां करया करदा सी, गीबतां करया करदा सी, ए चुगल खोरे चुगल खोरे, चुगली दी वजह तो कबर दे अंदर अजाब हो रहा। और दूसरा बंदा ला यस्तंजिहु मिन बौलिन, जड़ा पेशाब करदा सी ते पेशाब दियां छिट्टां दा ख्याल नहीं सी करदा। अल्लाह दे पैगंबर दो गुनहगार बंदे ने, एक पेशाब दियां छिट्टां तो ना बचन वाला, और दूसरा अल्लाह दे पैगंबर लोगों दियां गीबतां और चुगलियां करन वाला। इन्हां दोनों कबर दे अंदर अजाब हो रहा है। तो मेरे भाई असी आज इस गुनाह समझते ही कोई नहीं, किसी की गीबत कर लेना, किसी की चुगली कर लेना, कंड पिछों किसी का गिला कर लेना, असी जनाब इस चुगली और गीबत समझते ही नहीं। अल्लाह सानू समझ आता फरमाए और अल्लाह इस बीमारी तो महफूज फरमाए। मेरे और ताड़े पीरों मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने, अगे सफ़र करद्या 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 पहले आसमान तक पहुँचे। जबरीले अमीन ने पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, अगों दरवाजे ते जड़ा फरिश्ता मुकर्रर है, फरिश्ता आवाज़ दे के कहन लगा, मन दक्कल बाब दरवाज़ा खड़कान वाला कौन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हज़रत जबरील अर्ज़ करदे ने, जबरील मैं जबरील हाँ, व मम्मा का। फरिश्ता सवाल करता है, तेरे नाल कौन है। ये जनाब जबरील अमीन जवाब देते हैं, माइया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाल अल्लाह दे पैगंबर ने, अल्लाह दे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरिश्ता फिर सवाल करता है, आंदा क्या इन्हां नूं बुलाया गया है, क्या इन्हां नूं सद्या गया है। जबरील अमीन अर्ज करदे ने, हाँ 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 इन्हां नूं बुलाया गया है, रब्बुल आलमीन ने इन्हां नूं बुलाया अपनी मुलाकात दे वास्ते, रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे मुताबिक आए ने। अल्लाह अकबर। जे जनाब अगो फरिश्ता कहिंदा, अहलम
सहलम मरहबा, खुश आमदीद जी आया नू खुश आमदीद। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मैं पहले आसमान ते चला गया, जिस वक्त मैं पहले आसमान ते गया मैं की देखिया अल्लाह दे एक बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे नबी हजरत आदम अलैहि सलातु सलाम पहले आसमान ते मौजूद ने। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमांदे ने मैं हजरत आदम अलैहि सलातु सलाम नू जाके सलाम पेश कीता, पैगंबर आदम अलैहि सलातु सलाम ने सलाम दा जवाब दिता, नाल कहन लगे खुश आमदीद मेरे बेटे खुश आमदीद, मरहबा बिन नबी सालिम नेक नबी नू खुश आमदीद, नेक बेटे नू खुश आमदीद। मेरा वेलकम कीता पैगंबर आदम अलैहि सलातु सलाम ने, पैगंबर आदम अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात हुई। मैं देखिया पैगंबर आदम अलैहि सलातु सलाम दे दाई साइड दे कुछ लोग मौजूद ने, बाई साइड दे कुछ लोग मौजूद ने। पैगंबर आदम अलैहि सलातु सलाम जदों दाई साइड दे देखते ने मुस्कुरा पेंदे ने खुश हो जाते ने, जदों बाई साइड दे देखते ने परेशान हो जाते ने गम जदा हो जाते ने। जबरील नूं पुछया, जबरील की गल ए, ऐ लोग कौन ने जिन्हां नूं देख के पैगंबर आदम खुश हो रहे ने, ऐ लोग कौन ने जिन्हां नूं देख के पैगंबर आदम परेशान हो रहे ने। अल्लाह दे पैगंबर ये सज्जी साइड वाले लोग जन्नती लोग ने, अल्लाह दियां जन्नतां दे मेहमान ने, जेड़े खब्बी साइड वाले लोग ने ये जहन्नमी लोग ने, जहन्नम दे अंदर जाण वाले बदबख्त ने। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने जदों मैं इन्हां आसमानां दे सफर ते गया, अल्लाह ने मैनूं एक बड़ी खूबसूरत वादी दिखाई, बड़ी खूबसूरत वादी दिखाई, बड़ी खूबसूरत इंदे अंदरों खुशबू आ रही है, बड़ियां प्यारियां प्यारियां इंदे अंदरों खुशबूआं आ रही ने, बड़ी खूबसूरत बड़ी आला जगह है। मैं जबरील दे कोलों पुछया, जबरील ये केड़ी जगह है? अल्लाह दे पैगंबर ए रब की जन्नत है, ये रब की जन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये रब की जन्नत जिहड़ी अल्लाह ने अपने बंदियां नूं अता करनी है, वो कितनी खूबसूरत जन्नत है जिंदे बारे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कि वो इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी जन्नत है कि जिंदे बारे को अख उस नूं वेखण दा सोच भी नहीं सकती कि कितनी खूबसूरत होएगी, को दिल तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो दे जो जन्नत कितनी खूबसूरत होएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना अपनी मुहब्बत का इजहार कर देवां, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फुआरे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फुआरे होणगे, पूजी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, हमेशा रहन वाली भी जवानी होएगी, पूजी हुई मच्छी दी मेहमानी होएगी, हमेशा रहन वाली भी जवानी होएगी, जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होनगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होनगे, दाढ़ी मुछां कोलों शक्ल बेनियाज होएगी। इत्थे ते बंदा दाढ़ी मनांदा ना हर दूसरे दिन जनाब, हुण ते लोगों ने घर दे अंदर ही वो सिस्टम रख लिया, पहले नाइयां कोल जांदे सी मनांदे सी, हुण घर अंदर ही हर रोज़ सवेरे सवेरे जनाब बाथरूम च वड़ जांदा, सामने शीशा फाड़ लैंदा ते जनाब आपे ही मुन्नन लगा हुंदा। लेकिन इत्थे असीं दाढ़ी तो परेशान हुंने आ, जन्नत अंदर अल्लाह ने दाढ़ी तो वैसे ही बेनियाज कर देना। जन्नत अंदर ना दाढ़ी होनी ना मुछां होनियां। दुआ करो अल्लाह सानू सारिआं नू उस जन्नत अंदर लै जाए। जन्नत च जाण दे दिल नहीं करदा ते फिर बोलदे नहीं जे। दुआ करो अल्लाह सानू जिवें इत्थे जमा, अल्लाह अपनी जन्नत अंदर भी कट्ठियां फरमा देवे। दाढ़ी मुछां कोलो शक्ल बेनियाज होएगी, हुसन नबी यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होएगी, 32 सालां दे जवान उथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। अगला जुमला बड़ी मुहब्बत वाला, किड्डा समा यारो मौसम पुरबहार होएगा,
ਕਿਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੱਡਾ ਸਮਾਂ ਯਾਰੋ ਮੌਸਮ ਪੁਰ ਬਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਦੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ? ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਆਹੜ ਸੁਣੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਹਟ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਹਟ ਏ, ਕਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਹਟ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਬਰੀਲ ਕਿਹਾ ਬਿਲਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਬਿਲਾਲ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਿਲਾਲ ਏ, ਕਿਤਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਾਲ ਏ, ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਿਲਾਲ ਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਏ? ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਦੋ ਰਕਤਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਏ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਆਹਟ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਮਹੱਲ ਏ, ਕਿੰਦੀ ਕੋਠੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਹਯਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਮਰ ਬੜਾ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਮਰ ਬੜੇ ਹਯਾ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਉਸ ਹੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਉਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਮਰ ਬੜਾ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹੱਲ ਅਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਦੀ ਅਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਏ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਹੰਨਮ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
औरतां अर्ज कर दियां ने अल्लाह दे पैगंबर असी केड़े गुनाह कर रही हैं केड़ियां गलतियां करनियां जिस वजह तो असी जहन्नम अंदर ज्यादा होवांगियां। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने तकसुरुल्लान व तकफुरनल आशीर, तुहाडे अंदर दो बीमारियां ने, तुहाडे अंदर दो खसलतां ने, एक ते तुसीं खामदा दियां ना शुक्रियां जे, एक तुसीं तकसुरुल्लान लान तान ज्यादा कर दियां जे, गाली गलोच ज्यादा कर दियां जे। ये दो बीमारियां औरतां अंदर मौजूद ने जिस वजह तो औरतां जहन्नम ज्यादा जान गियां। हजरात मेरिया मावं बहना तशरीफ लैके आईया ने, मैं गुजारिश करना चाहना बच जाओ इस लानत दे कोलों, निकी निकी गल तो किसे ते लानत ना डालिया करो, निकी निकी गल तो गाली गलोच शुरू ना कर दिया करो। मेरे आका फरमांदे ने तकसुरुल्लान, पहली बीमारी औरतों की यह है कि औरतां गाली गलोच ज्यादा कर दियां ने। अल्लाह मेरिया मावं बहना हदायत अता फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। फरमाया वतकफुरनल आशीर, दूसरा गुनाह औरतों के अंदर यह आ कि औरतां खावत दियां ना शुक्रियां होंदियां। जनाब शादी नूं 10 साल 20 साल हो गए ने, 15 साल हो गए ने, जनाब कदे बीवी नूं परेशानी नहीं आन दित्ती। कोई ऐसा वक्त आ गया बीवी ने कोई मुतालबा किया तो जनाब ना पूरा हो सकिया, आंदी है जदों दी तेरे कार अंदर आई हाँ कदे मैं सुख वेख्या ही कौन नहीं, सारी कीती कदरी एक मिनट अंदर खूह च पा के रख दिती। जदों दी तेरे घर आई हाँ अज तकर मैं सुख पाया ही कोई नहीं, तेरे कोलों जिहड़ी शह मंगी है तू उहदे तो ही जवाब दे देना, हर वक्त तेरे हालात एवें दे ही रहिंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने तकसुरुल्लान व तकफुरनल आशीर, औरतां दो वजह तो जहन्नम दे अंदर जान गियां, एक गाली गलोज की वजह तो, एक खामदा की नाशुकरी की वजह तो। आओ अगे चलिए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने पहले आसमान तो मैं दूसरे आसमान का सफ़र किया, दूसरे आसमान ते जिस वक्त पहुँचया इस तरह दूसरे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, फरिश्ते ने अगों सवाल किया मंद कलबाब आना जबरील, जबरील ने दसिया मैं जबरील आ, व मम्मा आका तेरे नाल कौन है, माइया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल अल्लाह दे नबी ने, क्या इन्हों बुलाया गया है, हाँ इन्हों बुलाया गया है। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मैं दूसरे आसमान ते चला गया, जिस वक्त दूसरे आसमान ते गया अल्लाह दे दो बड़े प्यारे नबियां दे नाल मुलाकात हुई, अल्लाह दे दो बड़े प्यारे खूबसूरत नबियां दे नाल मुलाकात हुई। मैं दूसरे आसमान ते रब दे दो नबी देखे, हजरत यहया अलैहि सलातु सलाम देखे, हजरत ईसा अलैहि सलातु सलाम देखे। जदों मैं इन्हां दे नज़दीक गया, इन्हां नूं जाके सलाम बुलाया, इन्हां मेरे सलाम का जवाब दिता मरहबा मरहबा बिन नबी सालिम, मरहबा बिन नबी सालिम, कहन लगे खुशमदीद वेलकम अहलम वसहलम मरहबा, इन्हां भी मैनू वेलकम किया, इन्हां नबिया भी मैनू खुशमदीद किया। देखो अहले दिल तड़प गया ते बड़ा प्यारा तर्जमा किया, आंदा ताहा दिशान वाले अरशां ते जान वाले ताहा दिशान वाले अरशां ते जान वाले, शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी दरूद गले, रब भी दरूद गले, दुश्मना दे पैरां थले चादरां बछान वाले अरशां ते जान वाले ताहा दिशान वाले अरशां ते जान वाले। तज़करे ने आम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, जिथे देखो जिथे जाओ तज़करे ने आम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, हुंदे सुबह शाम तेरे, तज़करे ने आम तेरे, हुंदे सुबह शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बकरियां चरान वाले
अरशां ते जान वालिया तौहा दिशान वालिया अरशां ते जान वालिया। मेरे आका फरमांदे ने दूसरे आसमान तो तीसरे आसमान ते तीसरे आसमान ते इसे तरह दरवाजा खटखटाया ऊपर मैं दाखिल हो गया। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने एक बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही प्यारा बड़ा ही आलीशान बड़े ही हुसन वाला बड़े मुकाम वाला मैं एक नबी देखिया। जदों मैं इनू देखिया इनू अल्लाह ने इतना प्यारा हुसन अता किया इतना प्यारा चेहरा अता किया इतना सोहना जिसम अता किया। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने एक सैड ते अद्धी दुनिया एक सैड ते कल्ले अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलातु सलाम अल्लाह ने सा अद्धी दुनिया नालों बढ़ के अल्लाह ने पैगंबर यूसुफ कल्ले नूं ही हुसन अता फरमा छड़िया। इतने हसीनो जमील अल्लाह दे पैगंबर यूसुफ अलैहि सलातु सलाम। मेरे आका फरमांदे ने मैं तीसरे आसमान ते हजरत यूसुफ अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात की। मरहबा बिन नबी सालिम मरहबा बे अखी सालिम मैनू कह लगे खुशमदीद वेलकम मेरे भाई नू वेलकम खुशमदीद खुशमदीद नेक नबी नू। मेरे आका फरमांदे ने इसे तरह मैं चौथे आसमान ते गया चौथे आसमान ते हजरत इदरीस अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात हुई। मरहबा बिन नबी सालिम इन्हें भी मैनू वेलकम क्या खुशामदीद क्या। हजरात इत्थे कि मैं बात बयान करदा जावां मेरे आका ने जिहड़ा सफर तय किया जमीन तो आसमान तक पहले आसमान तो दूसरे आसमान तक दूसरे आसमान तो तीसरे आसमान तक मुफसरीन ने लिखा है ये सफर इतना ज्यादा है ये सफर इतना तवील है ये सफर इतना लंबा है जमीन तो आसमान का जिहड़ा फासला है 500 साल की मुसाफत का फासला 500 साल बंदा सफर करे तो फिर यह सफर तय होता है। वो भी तेज सवारी अगर होए जमीन तो आसमान का जेड़ा फासला है 500 साल की मुसाफत का फासला। और मुफस्सरीन ने लिखे है पहले आसमान की मोटाई 500 साल की मुसाफत है। इस तरह पहले आसमान तो दूसरे आसमान का इतना फासला है कि 500 साल की मुसाफत का फासला। ये जितना सफ़र है 500 साल की मुसाफत का जो अल्लाह ने एवें चंद मिनटा के अंदर थोड़े जे वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने सारे का सारा सफ़र तय करवाया और अल्लाह ने बहुत सारिया निशानियां मेरे पैगंबर नूं अता फरमा छड़ी। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने चौथे आसमान ते हजरत इदरीस दे नाल मुलाकात हुई। मैं पंजवें आसमान ते गया पंजवें आसमान ते हजरत हारून अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात हुई। छठे आसमान ते गया छठे आसमान ते हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात हुई। मैं सतवें आसमान ते गया सतवें आसमान ते जद्दुल अंबिया पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलातु सलाम दे नाल मुलाकात हुई। मेरे आका फरमांदे ने जदों मैं पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलातु सलाम नूं देखिया इन्हां ने बैतुल मामूर दे नाल टेक लगाई है। बैतुल मामूर दे नाल टेक लगा के बैठे ने। बैतुल मामूर की है जिवें जमीन ते बैतुल्ला है एवें आसमाना ते बैतुल मामूर है। जमीन ते बैतुल्ला दा तवाफ इंसान करदे ने आसमाना ते बैतुल मामूर दा तवाफ रब दे फरिश्ते करदे ने। सेम जिथे बैतुल्ला है इंदे बिल्कुल उपर इंदे जनाब नक्शे दे मुताबक इंदे बिल्कुल उपर जितनी जगह दे अंदर बैतुल्ला बनया इतनी जगह दे उपर बैतुल मामूर अल्लाह ने मुकर्रर कर छड़िया। जिथे बैतुल्ला है बिल्कुल इंदी सेहत बैतुल मामूर है। पैगंबर इब्राहिम अलैहि सलातु सलाम बैतुल मामूर दे नाल टेक लगा के बैठे ने। मैं सला जाके सलाम पेश किया पैगंबर इब्राहिम फरमा लगे मरहबा बी इब्न सालिम मरहबा बिन नबी सालिम मेरे पुत्र खुशमदीद मेरे पुत्र वेलकम नेक नबी नू वेलकम नेक बेटे नू खुशमदीद। मेरे आका फरमांदे ने
सतवें आसमान तो ऊपर मैं चला गया, सतवें आसमान तो ऊपर मैं एक बहुत बड़ा दरख्त देखा, बहुत बड़ी बेरी देखी, ये बेरी दा बहुत बड़ा दरख्त देखा। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने इंदा सिदरातिल मुंतहा, कुरान मजीद दे अंदर रब्बुल आलमीन ने इंदा नाम बयान किया, फरमाया इंदा सिदरातिल मुंतहा, मेरे आका सिदरातुल मुंतहा दे करीब पहुँच गए, सिदरातुल मुंतहा दे करीब पहुँचे। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने मैं देखिया ये जनाब जल्ला बहुत बड़ी बेरी है, बहुत बड़ी जड़ी बेरी है आसमाना दे ऊपर। मैं अलगर्ज़ वक्त ख़त्म हो गया, मैं इंतहाई इख्तसार दे नाल बयान करा। मेरे आका फरमांदे ने सत्त आसमाना दे ऊपर मैं चला गया, अल्लाहु अकबर अल्लाह, फकान काबा कौसैन औ अदना, इत्थे एक मुगालत है जिहड़ा मैं थोड़ा कढ़ना चाहना। उलमा ने लोगों नूं गलत फहमी अंदर डालिया, अहले हदीस उलमा भी, बरेलवी हजरात भी, देवबंदी हजरात भी, सारे दे सारे बयान कर देने आंदे की ने अल्लाह रब अल्लाह दे मेरे पैगंबर करीब चले गए, कितने करीब चले गए। फकान काबा कौसैन औ अदना, दो कमाना दा फासला रह गया, इतने मेरे पैगंबर रब दे करीब चले गए। ये सारिया गलत फहमिया ने, सारे गलत मसले ने, अपने कोलों बनाईया हुई गल्लां ने। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम कदे भी रब दे इतना करीब नहीं गए। अल्लाहु अकबर, अम्मा जी आयशा फरमांदिया ने सब तो पहले मैं अल्लाह दे पैगंबर दे कोलों सवाल किया, अल्लाह दे पैगंबर इस आयत तो मुराद की है, फकान काबा कौसैन औ अदना, तुसी इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए, दो कमाना दा फासला रह गया, अल्लाह दे पैगंबर इंदे तो मुराद की है, क्या तुसी रब दे इतना करीब गए। मेरे आका फरमांदे ने नहीं नहीं आयशा, नहीं नहीं, ये गलत फहमी है तेरी, ये रब दे करीब नहीं, बल्कि मैं जबरीले अमीन दे इतना करीब होया कि मेरे दरम्यान ते जबरील दे दरम्यान दो कमाना दा फासला रह गया, रब दे ते मैं इतना करीब होया ही नहीं। इत्थे लोगों नूं गलत फहमिया दे अंदर डालिया गया है जी, रब दे बिल्कुल करीब चले गए, इतना करीब चले गए, बस एक पर्दा बाकी रहा रब दे दरम्यान ते उस दे नबी दे दरम्यान एक पर्दा बाकी रहा। मेरे भाई, ये सारिया गलत फहमिया ने, ये सारे गलत मसले ने, मेरे पैगंबर जरूर आसमाना तो उपर गए ने, लेकिन रब दे इतना करीब नहीं गए, रब दे इतना नज़दीक नहीं गए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलातु सलाम सत्ता आसमाना दे ऊपर गए, मेरे आका फरमांदे ने हाँ मैं इतना करीब जरूर गया वां कि ओ कलमा जिन्ना दे नाल लिखिया जांदा है, ओ कलमा दे लिखन दी मैं आवाज सुन ली, इतना करीब गया वां, लेकिन रब दे बिल्कुल नज़दीक जाना ये किसे हदीस दे अंदर नहीं मिलता, किसे कुरान दी आयत दे अंदर नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर, हाँ रब दे नाल मेरे पैगंबर अलैहि सलातु सलाम ने कुछ गल्लां बातां कीतियां, रब दे नाल हम कलाम होए। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे पैगंबर की लैके आए हो, की लैके आए हो। अल्लाह दे पैगंबर अर्ज़ करदे ने अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, या अल्लाह मेरियां कोली बातां, फेली बातां, बदनी बातां या अल्लाह सारियां तेरे वास्ते ने। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे पैगंबर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए मेरे पैगंबर तोडे ते मेरी सलामती होए, मेरिया रहमतां होन, मेरिया बरकतां होन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल हम कलाम होए। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे पैगंबर मैं तेनूं कुछ देना चाहना, कुछ देना चाहना। मेरे आका फरमांदे ने जी अल्लाह दियो ना, की देना चाहते हो? ए मेरे पैगंबर मैं तेनूं 50 नमाजां दा तोहफा देना चाहना। मेरे आका फरमांदे ने जी अल्लाह मैं कबूल करना 50 नमाजा का तोहफा, लै जा तोहफा 5 नमाजा दा, वल सिख जा अजज न्याजा दा। तुसी कह रहे हो कि तुसी कहोगे तुसी ते 5 नमाजा कह रहे हो, मैं बात अगे बयान करना चाहना। रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजा का तोहफा अता कर दिता, मेरे आका अलैहि सलातु सलाम ये तोहफा लैके वापस आ रहे ने, छठे आसमान ते आए। हजरत मूसा अलैहि सलातु
सलाम दे नाल मुलाकात हुई। अर्ज कर दे अल्लाह दे पैगंबर की तोहफा मिले, रब ने की अता किया ए मूसा, रब ने मैनू 50 नमाजा का तोहफा अता किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह दे नबी तोड़ी उम्मत ने कोनी पढ़निया, जाओ ना वापस जाओ, रब न कोई गुजारिश करो, नमाजा कम हो जाने। एक हदीस के अंदर आया कि 10 कट गई, एक हदीस के अंदर आया कि 5 कट गई, बाज ने लिखा कि 5-5 कट दी गई, बाज ने लिखा कि 10-10 कट दी गई। मेरे पैगंबर वापस जाते रह, आते रह, जाते रह, आते रह, रब न गुजारिश करते रह, रब कटाते रह। अल्लाह अकबर, आखरो वक्त भी आया, नमाजा रह गई 5। पैगंबर मूसा अलैहि सलातु सलाम अर्ज़ करन लगे, अल्लाह दे नबी अजे भी वापस चले जाओ, नमाजा होर कम करवा लवो। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने, ए पैगंबर मूसा, हुण ते मैनू शर्म आंदी है कि मैं रब कोल वापस जावा। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, मेरे पैगंबर हुण तैनू आन की जरूरत भी कोई नहीं, हुण आन की लोड़ भी कोई नहीं, तुहाडी उम्मत नमाजा 5 पढ़ेगी, मैं सवा 50 दा अता कर छड़ा जा कर छड़ांगा। अल्लाह अकबर, लै जा तोहफा 5 नमाजा दा, वल सिख जा अजज न्याजा दा। मेरे आका अलैहि सलातु सलाम फरमांदे ने, वक्त खत्म हो चुका है, मैं बात खत्म करना। मेरे आका फरमांदे ने, जिस वक्त मैं वापस आया, सब तो पहले बात मैं उम्मे हानी दे सामने बयान की थी, ऐ उम्मे हानी, मैं रातों रात आसमान माना दी सैर करके आया वा, बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस तो सत्य आसमाना दी सैर करके आया, रब दी जन्नत और जहन्नम वेख के आया। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे हानी अर्ज कर दिया ने, अल्लाह दे पैगंबर एक गल बार लोगों सामने ना करया जे, नहीं तो लोग तुहानू दीवाना कहणगे, लोग तुहानू मजनू कहणगे, लोग तुहानू पागल कहणगे। अल्लाह दे पैगंबर, लोग ते तुहानू पहले दीवाना समझदे ने, ये बात लोगों सामने ना करया। मेरे आका सुबह बाहर निकले, सब तो पहले मुलाकात हुई अबू जाहल दे नाल। मेरे आका फरमांदे ने, अबू जाहल, मैं रातों रात बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस तो सत्ते आसमाना दी सैर करके आया। ओहो, तू सैर करके आया, वेखी मुहम्मद, अस्तगफुरल्लाह, नाउज बिल्ला, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं? मेरे आका फरमांदे ने, नहीं अबू जहल, मैं सच बोल रहा वा, मैं कदे झूठ नहीं बोलिया, मैं कदे गलत बात नहीं की थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, सोना लब अपने जदों खोल दसी, और रहमत मोती रोल दसी, सोना लब अपने जदों खोल दसी, और रहमत रोल दसी, ओदा बोलना रब दा कुरान आया, कोल नबियां दा इमाम आया। मेरे आका फरमांदे ने, नहीं अबू जहल, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सच्ची गल कर रहा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कुछ 4 बंदे जोड़ लवा, 4 बंदे जमा कर लवा, फिर भी ये बात करेगा? मेरे आका फरमांदे ने, अबू जहल, मैं क्यों नहीं करांगा, जो मैं करके जो आया तो मैं ये बात क्यों नहीं करांगा? अबू जहल निकलिया, थोड़ा जहा अगे गया, कौन मिले? हजरत अबू बकर सद्दीक मिले, को रजी अल्लाह तआला, अबू बकर सद्दीक मिले। अबू बकर, तेनू एक बड़ी हैरान कौन गल ना सुनावा। अबू जहल, की गल हो गई है, केड़ी एडी हैरान कौन गल है? अबू बकर, तेरा नबी जिंदा तू कलमा पढ़िया है, वह कहता है कि मैं रातों रात सत्ते आसमाना की सैर कर आया। हजरत अबू बकर अर्ज कर देने, अबू जहल, क्या मेरे पैगंबर ने वाकया किया है? अल्लाह अकबर, अबू जहल आंदा, चल मैं तेनू कोल लै चलना। हजरत अबू बकर फरमाते ने, कोल ले जाने की जरूरत कोई नहीं, अगर मेरे पैगंबर ने किया है तो मेरे पैगंबर वाकया ही करके आए होंगे, मेरे पैगंबर की बात अंदर कोई शक नहीं। हजरात, ये वो अबू बकर है कि जिन्हें बगैर मेरे पैगंबर के सुनन तो मेरे पैगंबर की तस्दीक फरमा छड़ी। फरमाया, अबू जहल, अगर तू काफन है, तू अपनी जबान अंदरों कह रहे हैं कि मेरे पैगंबर ने अल्फाज कहने, तो मेरे पैगंबर ने अगर कहने तो मेरे पैगंबर ने कदे झूठ नहीं बोलिया, मेरे पैगंबर वाकई सैर करके आए हैं।
अज उस अबू बकर के बारे जबान दराजी की जाती है। खुदारा कुछ होश दे नाखन लवो, ये वो अबू बकर है जिन्हें मेरे पैगंबर से सब तो पहले ईमान लिया है, जिन्हें मेरे पैगंबर की हर बात की तस्दीक की है, जिन्हें मेरे पैगंबर का हर मोड़ से साथ दिता है, वह अबू बकर है। ये वो अबू बकर है जिन्हें मेरे पैगंबर अपने कंध्या से सवार करके कई मील का सफर किया है। ये उस अबू बकर के बारे जबान अंदराजी कर ले। मेरे भाई जो निशानियां मेरे पैगंबर ने मेराज की रात देखियां वो सारिया हक ने सच ने, लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मेराज की रात मेरे पैगंबर ने रब न देखा तो बात सच्ची नहीं, उसकी कदे तस्दीक ना करो। अम्मा जी आयशा फरमादियां ने कि चार बातों की कदे भी तस्दीक ना करो, उन्हां अंदरों एक बात यह आ कि अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पैगंबर ने मेराज की रात अपने रब न देखा तो वह बंदा झूठ बोलता, मेरे पैगंबर ने नहीं देखा। तो मेरे भाई अपना अकीदा दुरुस्त करिए, अपनी इसलाह करिए। अल्लाह के कोलो दुआ है अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम त रखे, अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।